हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो ये देखिए, हम यहाँ पर आसान तरीके से बिल्कुल सिंपल यहाँ पर कुर्ता की कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से है ये, जल्दी से कट हो जाती है और जल्दी से इसकी स्टिचिंग भी हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, हमने पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इसका अर्ज हमारा काफ़ी है। और इस ये देखिए, इसको हमने फिर से डबल फोल्ड और कर लिया है। देखिए, हमारे यहाँ पर फोर फोल्ड हो चुका है। ऐसे ही हम इसके पूरे को फोर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इकसार कर लेंगे हाथ से सलवटें मिटाते हुए। अब देखिए, हम यहाँ पर अपने निशान लगाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ लेंगे, 43 इंच है हमारी लेंथ। तो इसमें हम, अगर आप इस पर सिलाई लगाएं तो 1 इंच ऐड कर दें, अगर आप इस पर तुरपाई करना चाहते हैं तो इसमें 2 इंच ऐड कर दें, 3 इंच ऐड कर दें। तो हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो टोटल लेंथ हम यहाँ पर 44 इंच काटेंगे, 43 हमारी लेंथ रहेगी। और ये देखिए, अब यहाँ पर हम अपने शोल्डर की कट करेंगे। देखिए, तीरा लिया है हमने 6 इंच और आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर सीधा निशान लगाते हुए, ये देखिए यहाँ पर बैक के लिए कटिंग निशान लगाएंगे पहले 1 इंच। अब देखिए, यहाँ पर हम चेस्ट का 4 हिस्सा ले लेंगे, 9.5 इंच। हमारे यहाँ पर 38 इंच चेस्ट है तो 9.5 इंच ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 निशान लगाए हैं। एक अंदर देखिए, हमने एक लगाया 13 इंच पे, ये कमर का नाप है, और एक लगाया 21 इंच पर, तो ये हमारा हिप का नाप है। और देखिए, हमारी कमर है यहाँ पर 8.5 इंच, हम यहाँ पर 8.5 इंच निशान लगा देंगे अपने, और यहाँ पर हम लगाएंगे 9.5 इंच। तो देखिए, अब जितना भी नाप है उसका 4 हिस्सा करते हुए हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। और देखिए, इनको हम निशानों को गहरा कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग के लिए निशान लगा दिया है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो आर्म होल में एक हमने 1 इंच बाहर के लिए लगाया है और 0.5 इंच अंदर के लिए। तो बाहर वाला हमारा बैक है और अंदर वाला हमारा फ्रंट है। तो पहले बैक की कटिंग करेंगे। हमने देखिए पल्ले की, कुर्ते की कटिंग कर ली है। देखिए, अलग अलग कर देंगे हम दोनों पल्लों को। अब यहाँ से हम पहले फ्रंट वाले पल्ले की आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ से एक सार फैला लेंगे और ये देखिए, आर्म होल की कटिंग कर देंगे फ्रंट वाले की। और ये देखिए, हमारे फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग हो चुकी है आर्म होल की। और ये देखिए, अब यहाँ पे हम अपना इसका गला, फ्रंट वाले का गला भी कट करेंगे। तो ये देखिए, हम इसकी चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और इसकी लंबाई लेंगे हम 6 इंच। आप अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिए, और नीचे से भी हम 2.5 इंच ले लेंगे। और देखिए, इसको इकसार कर देंगे, एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर हम इसकी गुलाई कर देंगे। आप इसमें कोई सी भी शेप बना सकते हैं गले की, हमने यहाँ पर गोल गला ही रखा है। ये देखिए, हमारे फ्रंट वाले पल्ले में की कटिंग हो चुकी है। आप इस पर लिख सकते हैं फ्रंट, ताकि याद रहे। अब यहाँ पर हम बैक वाले पल्ले के गले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम चौड़ाई 2.5 इंची लेंगे, लंबाई आप अपने अनुसार ले लें। हमने यहाँ पर 4.5 इंच ली है और नीचे से भी 2.5 इंच लेते हुए यहाँ पर बॉक्स बना देंगे और इसको गुलाई देते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमारे पल्लों की दोनों कटिंग हो चुकी है और गला भी कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसकी देखिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग अलग से वीडियो में भी बनाई है और देखिए इसमें भी हम बता देते हैं। तो ये देखिए, हमने पहले कपड़े को डबल फोल्ड किया था, फिर 4 फोल्ड किया है। और ये जो है इसको इकसार करते हुए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर पहले अपनी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 18 इंच रहेगी और 1 इंच इसमें ऐड करते हुए, ताकि हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर टोटल 19 इंच कट करेंगे लंबाई। और ये देखिए, यहाँ पर पैर एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर आर्म होल की तरफ से। और ये देखिए, यहाँ पर हम इसमें 8.5 इंच यहाँ पर कट कर देंगे, निशान लगाएंगे। आप अपना आर्म होल नाप के निशान लगा लें और आगे से फिटिंग लेंगे 5 इंच और इन निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। और यहाँ पर हम इसके आर्म होल की गुलाई कर देंगे।
ये देखिए हमारे आर्म होल की गोलाई हो चुकी है। और यहाँ पे एक से डेढ़ इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे शोल्डर कट बना रहे हैं तो इसकी चौड़ाई लेंगे हम डेढ़ इंच, और देखिए इसकी गहराई लेंगे हम ढाई इंच। और यहाँ पर गले की शेप में गोलाई करते हुए इसको भी हम कट कर देंगे। देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। गाइज वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं। इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में, स्लीव्स की स्टिचिंग बता चुके हैं। थैंक यू।